Hello students, welcome to our channel The Farmer Pathshala. Today we are going to discuss the remaining part of size reduction, that is ball mill. So students, ball mill is an apparatus which is used for grinding purpose. So basically two types of grinding, that is dry process and wet process. So now we are going to its principle. So basically it is based on the principle of impact and accretion. So what is the meaning of impact? Impact means the action or force of one object hitting another, and attrition means process by intense agitation of material. तो स्टूडेंट्स इसे हम समझेंगे एक प्रैक्टिकल. सो स्टूडेंट्स इम्पैक्ट और एक्ट्रिशन को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक टैबलेट ली है. अब देखिए इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है. इम्पैक्ट क्या होता है? एक सडन फोर्स. जब हम किसी ऑब्जेक्ट से अपने रॉ मटेरियल के ऊपर हम सडन फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे होगा इम्पैक्ट. जैसे मेरे पास स्टोन है, अब मैं इस पर मैंने सडन फोर्स लगाई तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका साइज रिड्यूस हो गया. दैट इज साइज रिडक्शन बाय इम्पैक्ट. अब एट्रिशन. एट्रिशन में बेसिकली जो सरफेस होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करता हुआ होगा. चलिए देखते हैं. अभी हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसे अगर मैं मूव करता रहूँ इस तरीके से, यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्राइंडिंग हो रही है और ये साइज रिडक्शन भी हो रहा है. तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ग्राइंडिंग बाय एट्रिशन. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, सरफेस होगा, वो मूव करेगा. तो इस तरीके से एट्रिशन और इम्पैक्ट. सो स्टूडेंट्स बॉल मिल इम्पैक्ट और एट्रिशन पे वर्क करती है. नाउ इट्स कंस्ट्रक्शन. बेसिकली ये एक हॉलो वेसल होती है जो बेसिकली बनी हुई होती है स्टेनलेस स्टील की या आयरन की. इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो होता है बॉल्स का. बॉल्स काफ़ी हैवी होती है, अबाउट 200 टू 300 ग्राम्स की एक बॉल होती है. तो सो दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉल मिल. सो फर्स्ट इज फीडिंग पार्ट, सेकेंड डिस्चार्ज, नेक्स्ट टर्निंग एंड ड्राइविंग पार्ट, एंड लास्ट वन इज रोटेटिंग बॉल्स. सो वट इज द मीनिंग ऑफ और वट इज द यूज ऑफ फीडिंग पार्ट. सो बेसिकली फीड पार्ट इज यूज टू इंसर्ट द रॉ मटेरियल इन बॉल मिल. नेक्स्ट इज डिस्चार्ज पार्ट. डिस्चार्ज पार्ट से जो हमारे फाइन पार्टिकल आफ्टर साइज रिडक्शन हमारे पास आए उनको हम आराम से यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है टर्निंग एंड ड्राइविंग. बेसिकली दिस पार्ट इज यूज फॉर रोटेटिंग द बॉल मिल. इट कंसिस्ट मोटर एंड इट्स स्विच. तो नेक्स्ट आएगा रोटेटिंग बॉल. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉल मिल. बेसिकली जो बॉल्स होती हैं ये एक रोटेशन फॉलो करती है जिसकी वजह से ये हमारे मटेरियल के ऊपर कंटिन्यूअसली ड्रॉन गिरती है और उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा लार्ज मटेरियल होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है. इफ यू लुक एट द डायग्राम, दिस कंटेन हैवी मेटल बॉल्स, फाइन पार्टिकल्स एंड मटीरियल्स. सो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे वो बॉल्स का होता है, बिकॉज बॉल काफ़ी हैवी होती है जिन्हीं की वजह से ये ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है. इसके बाद जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं बॉल के कंटिन्यूअसली गिरने के बाद वो टूट जाते हैं, उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फाइन पार्टिकल्स. और नेक्स्ट होता है मटीरियल. जो हमें रॉ मटीरियल होता है जिसको हमें साइज रिडक्शन करना है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उसका साइज रिडक्शन बॉल्स के थ्रू हो जाता है. Now it's working. The material to be ground is fed at an angle of 60 degree. So angle is very important in ball mill. Because जब हम material को इसके अंदर fed कराएंगे तो जो balls का angle होगा जो material के ऊपर गिरने का, that is 60 degree. 60 degree के angle पे ball material के ऊपर गिर जानी चाहिए. तो इस angle को बनाने के लिए the important key role is speed. Speed of balls or speed of this vessel. Basically there are three types of speed, that is low speed, corrected speed and high speed. So low speed. अगर students इस ball जो mill है इसकी speed अगर low रहेगी about 30 या 20 rpm तो जो balls है वो move ही नहीं करेगी. अगर balls move ही नहीं करेंगी तो ये material के ऊपर गिरेंगे नहीं जिसकी वजह से size reduction नहीं होगा. So if the speed is very high, so जो ball है वो इस वेसल के सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे. मींस वो भी उस कंडीशन में भी वो मटेरियल के ऊपर नहीं गिरेंगी और साइज रिडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज करेक्ट स्पीड. सो स्टूडेंट जो स्पीड है इसकी करेक्ट होनी चाहिए अबाउट 30 टू 100 आरपीएम के बीच में इसकी हम स्पीड रखते हैं जिसकी वजह से जो बॉल्स हैं वो वेसल के साथ साथ ऊपर जाती हैं और अप्रॉक्स 60 डिग्री के एंगल पे वो नीचे गिरती हैं जिससे साइज रिडक्शन प्रोसेस हो जाती है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट की पॉइंट, दैट इज फीड रेट. इट्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन साइज रिडक्शन प्रोसेस. बेसिकली अगर फीड रेट
फीड रेट ज्यादा है तो साइज रिडक्शन प्रोसेस में हमें कोर्सर पाउडर, जो कोर्स पाउडर है वो हमें मिलेंगे। इफ द फीड रेट इज लो देन वी विल गेट स्मॉल पार्टिकल्स। नाउ एडवांटेजेस ऑफ बॉल मिल। सो फर्स्ट एडवांटेज इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो बिकॉज दिस मिल इज वेरी स्मॉल इन साइज, सो दैट्स व्हाई इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो। नेक्स्ट इज इट इज सुटेबल फॉर मटेरियल ऑफ ऑल डिग्री ऑफ हार्डनेस। यस, इसके अंदर हम जितने भी हमारे हार्ड मटेरियल होते हैं जिनकी अलग अलग टाइप की हार्डनेस होती है उनको भी हम इजिली इसके अंदर साइज रिडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राइंडिंग मीडियम इज चीप। यस स्टूडेंट, क्योंकि इस जो मिल है इसके अंदर सिर्फ बेसिकली जो रोल होता है वो बॉल्स का होता है तो ये इतनी कॉस्टली नहीं आती है, सो दैट्स व्हाई इट इज चीप मिल। Noise disadvantages: it produces noise pollution due to heaviness of ball. It causes noise pollution. Next is mill efficiency is low because students जब ये mill rotate करती है about 3200 rpm पे तो इसकी जो heat होने की capacity है tendency है वो काफी increase हो जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा heavy balls use की जाती है, that's why इसके अंदर friction generate होगा और due to friction it is low efficiency. Now its application. Due to its economical efficiency, ball mill is used in our pharmaceutical industry in various field. First, that is carbon and coal. It is used for the reduction of carbon and coal in larger scale. Next is phosphate rock. Since the phosphate rocks होती हैं, वो काफी hard होती हैं. So by this machine, we can easily reduce the size of phosphate rock. Next is gypsum and grinding. Yes. Gypsum industry is a large industry in our pharmaceutical and also in cement industry. So, जो gypsum की rocks होती हैं, उनको इस mill के through easily size reduction किया जा सकता है. Next is limestone milling. जैसे कि इसका use चूने की जो factory होती है, वहाँ पे भी जो चूने के stones होते हैं, limestone होते हैं, उनको भी size reduction करने के लिए किया जाता है. Next is granite grinding. जहाँ पे marble का काम होता है, जहाँ पे marble ग्राइंडिंग होती है, द मिल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दोज प्लेसेस। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ बॉल मिल्स विच आर यूज इन आर फार्मास्यूटिकल और इन आर सीमेंट एंड कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। इफ यू आर न्यू सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।